मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। असीम बकार, अब क्या दिक्कत हो सकती है अगर लड़कियों को, मुसलमान लड़कियों को हक मिले अपना, अपने पिताजी से मिले, अपनी जो वसीयत में पिताजी से वो भी उतना ही मांग सकती हैं जितना उनके भाई मांग सकते हैं, या डाइवोर्स पर उनको क्या मिलना चाहिए ये भी उनके लिए तय होना चाहिए कानून के अंडर, या फिर किसी भी बेटी बहन की शादी हो तो वो क्यों ऐसे परिवार में जाए जहां उसके शौहर को 4 शादियों की इजाजत हो? ये तो गलत है, अन्याय है उसके साथ। सती भी एक प्रथा थी, सती को दूर किया गया क्योंकि वो सही प्रथा नहीं थी। देखिए, सारा जो खेल शुरू हुआ, ये जो सारा मामला शुरू हुआ, वो शुरू हुआ माननीय प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी जी के अमेरिका के दौरे से। भारत जैसे महान देश के प्रधानमंत्री से अमेरिका जैसे देश में एकदम से अचानक से किसी ने सवाल कर लिया कि आपके यहां मुसलमान अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है, आपके जो राज्य है उसमें। अब प्रधानमंत्री जी एकदम से कड़क गए। भारत के प्रधानमंत्री से दूसरे देश में ऐसा सवाल, उनकी समझ में नहीं आया क्या करें। चेहरा देखा होगा आपने उनका, वो जवाब जैसे तैसे दिया, फिर प्रधानमंत्री जी फौरन अमेरिका से निकले और मिस्र चले गए। हमारे वही प्रधानमंत्री जो हिंदुस्तान में हमको कपड़ों से पहचानते थे, वही प्रधानमंत्री जिनकी हुकूमत में मस्जिद तोड़ दी जाती है, वो वहां मस्जिद में नंगे पैर चलने लगे। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। उन्होंने मुसलमानों के बारे में बड़ी अच्छी बातें की। आप ट्रिपल तलाक की बात कर रही हैं, लेकिन जिस महिला की आप बात कर रही हैं, वही महिला जो मुसलमान महिला है, उसी की बच्ची जब हिजाब पहनकर स्कूल जाती है तो बहुत से भारतीय जनता पार्टी समर्थित लोग, क्रिमिनल माइंडेड लोग, उसके हिजाब को चिल्ला चिल्ला कर उस पर टिप्पणियां करते हैं, नारे लगाते हैं, उसका हिजाब नोचने की बात करते हैं, वो भी महिला है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? मैंने प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना, उन्होंने कहा कि एक महिला को, एक बच्ची को शादी करके अगर कोई पुरुष 15 साल बाद तलाक दे देता है तो उसके भाई पे क्या बीतती है, उसके बाप पे क्या बीतती है। इसी देश में एक हिंदू बहन को जब तलाक नहीं दी जाती है और शादी के बाद बिना तलाक के अबेंडन कर दिया जाता है, तो क्या उस भाई की दिन पे बीतती होगी उस जो हिंदू बच्ची को छोड़ दिया जाता होगा? उसका पति उसको पत्नी भी नहीं मान रहा है, पत्नी का हक भी नहीं देता है, उसका पिता भी तो है, उनके दिन पे भी तो बीतती है, जरा सोचिए।